टेबल के नीचे ऐसे ऐसे करके हिला रही है, जिसका प्लास्टर लगा रहेगा वो प्लास्टर से हिलाएगी। ममता दीदी के बातों के संगुल में ना आए, क्योंकि वो एक पगला गई है, एकदम बौखला गई है। मोदी जी को क्या बोल रही है कि कितना भी दाढ़ी बढ़ा लीजिए या ये कर लीजिए, लेकिन रविंद्र टैगोर नहीं बन पाएगा। लेकिन रविंद्र टैगोर बने भी है और राम का अवतार भी है, कृष्ण के भी अवतार है। वो वोट नहीं मिल रहा ना, इसलिए बकला गई है। सबसे पहले तो वो एक हिंदू की लड़की होते हुए भी जो औरत राम के नाम में इतना गलत शब्द बोलती है, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस तरह की इंसान है। मैम क्या नाम है आपका? कविता सिंह। तो अभी ममता बनर्जी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, उन्होंने मुस्लिमों से कहा था कि हमें वोट दें एक तरफा, ये इस पर क्या कहें? इस पर एक ही बात कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान पे चल रहा है हिंदू मुस्लिम में राइट, उसी तरह ममता दीदी हम लोग के पश्चिम बंगाल में लाना चाहती है। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई भी, चाहे हिंदू हो, बंगाली हो, गुजराती हो, हर राज्य के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन किसी में भेदाभेद नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ के सबको विनती करते हैं कि आप लोग कोई भी इस तरह से कोई काम मत करें, ममता दीदी के बातों के संगुल में ना आए, क्योंकि वो एक पगला गई है, एकदम बौखला गई है और उनका हाथ में अब कुछ नहीं है। अब वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में वो राइट लाएं, इसीलिए वो मुस्लिम को अलग करिए, हिंदू को अलग करिए, लेकिन ये चीज़ गलत है। बस सबको एक रखना चाहिए, जब आप यहाँ की कर्ता धरता है तो आपको क्या चाहिए कि सबको एक, हिंदू मुस्लिम बोल के कोई जात नहीं है, सब एक ही है। हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारतीय हैं, बस। तो ममता बनर्जी कह रही थी इससे पहले वो कि मैं सबसे बड़ी हिंदू हूँ, उससे पहले वो जय श्री राम का विरोध और यहाँ पर किस तरीके से दुर्गा पूजा नहीं होने देते हैं, तो क्या लग रहा अब क्या बदलाव? अगर वो हिंदू होती, अगर वो हिंदुत्व के लिए लड़ती, तो आज वो ना तो राम के लिए कुछ गलत बोलती। जो औरत, सबसे पहले तो वो एक हिंदू की लड़की होते हुए भी जो औरत राम के नाम में इतना गलत शब्द बोलती है, तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो किस तरह की इंसान है। जो एक भगवान का, जिसने यहाँ इस धरती पे जन्म लिया, जिसने मनुष्य का जन्म दिया, जो हमारे साधक है मेन राम जी, उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल पाई, तो वो क्या सब परिवार चलाएंगी और क्या देश चलाएंगी? देश चलाने के लिए भगवान को लेकर ही चलना पड़ता है, वो दिखावटी के लिए नहीं चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है? बीजेपी की, बीजेपी आ रही है, सीटें नहीं, बीजेपी पूरी आ रही है, 200 पार। इस बार 200 पार। अच्छा दीदी क्यों कह रही मुस्लिमों को कि एक तरफा हमें ही वोट दो? इसलिए कि उन लोगों का घर में ज्यादा वोट है, हाँ, इसलिए उस विशेष जाति को वो क्या करते हैं, तोषण करते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा वोट उसका हाथ में आए। लेकिन वो लोग भी समझ गए ये हमका भी नहीं है, उसका भी नहीं है, ये किसी का भी नहीं है। ममता दीदी वोट के अलावा कुछ नहीं सोचते, उसका जिसमें फ़ायदा है वो उसी बारे में सोचती है। फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ यूज़ करिए, मुस्लिमों का यूज़ करिए। ये मुस्लिम भाई बहनें भी जान रही है कि उनको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, एक उन लोगों को कार्ड मिल गया है, विक्टिम कार्ड मिल गया है, जिसके वजह से वो बस यूज़ कर रही है ताकि इसे भेदाभेद आए या दिखावा करें। अगर जो लोग दिमागी लोग होंगे वो लोग कभी वोट नहीं देंगे। तो आपको क्या लगा, ममता बनर्जी तो कह रही CRPF जो सिक्योरिटी फोर्स है वो चुनाव में वोटिंग नहीं करने दे रही? अरे वो कुछ भी कर ले, बीजेपी आएगी तो आएगी। वो बकला गई है, वो वोट नहीं मिल रहा ना, इसलिए बकला गई है, अनप सनप जो कुछ हो रहा है बोल रही है, गुस्से में बोल रही है। मोदी जी को क्या बोल रही है कि कितना भी दाढ़ी बढ़ा लीजिए या ये कर लीजिए, लेकिन रविंद्र टैगोर नहीं बन पाएगा। लेकिन रविंद्र टैगोर बने भी है और राम का अवतार भी है, कृष्ण के भी अवतार है, उनका पल में दीदी का कुछ नहीं है। महिला लोग का तो एक कुछ करती भी नहीं है, आज 10 साल से है ना ममता दीदी, महिला लोग क्या की है, कुछ किए? आज हमें मोदी जी आकर महिला लोग जितना सब किए हैं, हर चीज़ से, घर से लेके, योजना से लेके, उजाला गैस से लेके, उन लोगों हर की मैंने जो लॉकडाउन में किया गया है, विशेष करके महिला लोग को फ्री में गैस दिए, 500 रुपया हर महीना दिए, राशन फ्री में के लिए दीदी दी है। दीदी तो क्या करिए, वहाँ का जो केंद्र से चावल आ रहा था अच्छा अच्छा, वो यहाँ बदल कर अच्छा खराब चावल दे रही थी राशन में, जो तो क्या बहुत आदमी है नहीं खा रहा था लोग। तो इसीलिए अभी दीदी थोड़ा दिमाग से भी सटकी हुई है, उनको अभी जय श्री राम, अभी तो देखिए चंडीपाठ कर रही है दीदी, मंदिर में गई थी तो विष्णु ठाकुर, हम लोग विष्णु बाबा जैसे बोलते हैं, देवता बोलते हैं, वो माता बोल रही है, क्यों? उनका दिमाग अभी सही नहीं है, वो देख रही है हम लोग 200 पार बीजेपी जा रहा है,
लेकिन फिर भी वो थोड़ा बुखलाई हुई है। दीदी चिंता मत कीजिए, आपको अच्छा से हम लोग विदा करेंगे यहाँ से, जय श्री राम बोल कर ही विदा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी तो गुस्सा हो जा रही, जय श्री राम। गुस्सा होने दीजिए, अब तो जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, सब कुछ होगा। वो कितना भी चंडी पाठ, पहले चंडी पाठ का चंडी क्या है, कौन है वो तो जान ले, उसके बाद चंडी पाठ करे। हिंदू होता है, कुर्दी बंगाली होता है, यही तो सस्ता है। सादा साड़ी पहन के सारा बूथ घूम के दिखाई रही है दीदी। कोई पार्ट टांग टूट गया उसको दिखाते हैं, मेरा टांग टूट गया हम वोट नहीं दे, अगर खड़ा है उसको वोट कौन देगा। टांग टूट गई है, इधर वो टांग को हिला रही है। अरे जिसका टांग टूट जाएगा, प्लास्टर रहेगा, वो टांग को कैसे घुमाएगी, कैसे ऐसे ऐसे करके घुमा रही है। हैं वोट पाने के लिए अपना टांग भी दो। स्टिचेस है उसके दिमाग में, वो भी तो गलत है। 64 स्टिचेस है बोल रहे के, वो भी तो गलत है। ठीक है, जिसका अपने दिमाग में 64 स्टिचेस होते हैं, वो इतना तो ऐसे ही बात करेगा ना, पागल जैसा। एक बड़ा प्रधानमंत्री को तू तुकारी करके बात बोल रही है, वो अपना औकात दिखा दे रही है। कोई कोई मुख्यमंत्री का ऐसा भाषा होता है, हमारा प्रधानमंत्री जी उनका मुँह से बोलना नहीं चाहिए कभी। दीदी बोल के इज्जत करती है, उसके ऊपर से उनको सब समय आप करके बात बोलते हैं। वो जो देश का प्रधानमंत्री है, वो अपना परिचय दे दे रहे हैं, जहाँ सही मायने में वो देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन दीदी मुख्यमंत्री होते हुए भी जे एक मंत्री का क्या भाषा होता है, वो भाषा उनको मालूम नहीं है। जे एक मंत्री के साथ, देश का प्रधानमंत्री के साथ कैसे बात बोला जाता है। देश का प्रधानमंत्री की कोई भी एक ऊँचा ओहदा में है, कोई भी एक साधारण आदमी है, सबके साथ कैसे कौन लहिस से बोला जाता है, ये बात उनको पता ही नहीं है। तो उनको जब बात बोलने का ही तरीका नहीं है, तो उनको मुख्यमंत्री रहने का कोई योग्यता ही नहीं है, वो पद में ही नहीं रहना चाहिए उनको। मोदी जी को बोलता है क्या, तो तुम तो चा वाला है, तू भी मंत्री है, ये भी मंत्री है, तुम्हारा इज्जत होता है, इसका इज्जत होता है। तो कमाल देखो, चाय वाला का कमाल देखो कि चाय, एक चाय वाला कहाँ तक पहुँच गया। उनका वो इतना वो था, पावर था, जो वो अहदा से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये तो समझना चाहिए ना। प्रधानमंत्री उनको दीदी ओ दीदी कह के कह रहे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही वो तो मेरा अपमान। उनको ऐसे लगता है क्योंकि वो नीचे, उनका दिमाग नीचा सोच सब समय, वो इतना बुखला गई है। ভালোবেসেও যদি কিছু বলছে সেটাও ওনার মনে হচ্ছে আমাকে অপমান করছে, কারণ ওনার নিজেই পায়ের তলায় এখন মাটি নেই, বুখলা গেই। তো উনি এখন আপনি ভালোভাবে দিদি রাখছেন ওনাকে, হ্যাঁ পাগলা গেই, একদম পাগলা গেই, উসকো হসপিটাল মে ট্রিটমেন্ট করনে পড়েগা। হসপিটাল মে তো গই থি দিদি, আবি ওর জানে পড়া ভোট দিয়ে না, ভোট পানে কে লিয়ে ও গই থি, যে একটা প্লাস্টার কোই বাহানা সে একটো জিসকো ইতনা গার্ড রহে उसको कोई आक्रमण करके चल जाएगा, उसका गार्ड लोग उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप बोलिए, उतना गार्ड के बीच में कोई भी मंत्री जाता है, उसको कोई मार के, बाहर का आदमी मार के चला जाएगा और वो गार्ड उसको कुछ बोलेगा ना, ये सब उनका षड्यंत्र है जो किस तरह से वोट पाया जाए। सिंपैथिकली वोट पाने की कोशिश, और उसको ऊपर से बाया दिखाया, दाया में लकिया, और दाया को हिला रही है, इधर टेबल के नीचे ऐसे ऐसे करके हिला रही है। जिसका प्लास्टर लगा रहेगा वो प्लास्टर से हिलाएगी, है वो जनता का वो सिंपति पाने के लिए जो किसी भी तरह कोई भी हद तक वो जा सकती है वोट पाने के लिए। आप पश्चिम बंगाल की सारी महिलाएं हैं और मुख्यमंत्री महिला थी इस समय, तो क्या लग रहा है इस यहाँ 10 सालों में किस तरीके की स्थिति रही? बहुत खराब स्थिति है, जिस जगह पे हम औरतें बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, और जहाँ की मुख्यमंत्री हमारी दीदी एक औरत है, जो कि जब उनको ये चिंता नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे औरतें कहीं भी सेफ नहीं है, वो लोग अकेले बाहर नहीं जा सकती, वो लोग सेफ्टी से रह नहीं सकती, तो वैसे मुख्यमंत्री का रहने का क्या फ़ायदा। इतने अभी स्वाधीन हम लोग के देश में, इस अभी राज्य में हम लोग के ये सब करना पड़ रहा है कि हम लोग अकेले निकल नहीं सकते, डर डर के जीना पड़ रहा है लड़कियों को। क्यों, इतना फ्रीडम हम लोग को मिल रहा है फिर भी हम लोग डर के जिए, सिर्फ इनके घुसपैठियों की वजह से, इतने गुंडोगिरी की वजह से, इनके गुंडों के लिए हम लोग डर के घर पर बैठे रहे, बच्चियाँ घर पर बैठे रहे, किस लिए। तो हम लोग को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? काबेरी पाल। चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है और योगी जी यहाँ पे आएंगे, उससे पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा है कि जो उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को कहा था कि आप मुझे एक तरफा वोट दें, क्या कहेंगे, क्यों ममता बनर्जी ऐसे बयान। মমতা ব্যানার্জি তো আমরা দেখছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো সব সময় মুসলিমদের তোয়াজ করে চলছেন, উনি তো আমাদের হিন্দুদের প্রতি কোনো মানে
हिंदी में उन्हीं तो हिंदू देर प्रति ओनार तो ध्यान ज्ञान नहीं उन्हीं तो सब समय मुस्लिम देर तोआज करछेन जाते मुस्लिम मुस्लिम देर नामे बोले जाते बेशी बेशी करे मुस्लिम भोटटा पावा जाए এই বিষয় এবং আমরা দেখছি যে প্রত্যেক দিন আমাদের নারীদের প্রতি নির্যাতন হচ্ছে নারীদের রেড বেঁধে দিচ্ছে রেপ কেসের নারীদের রেপ রেডটা বেঁধে দিচ্ছেন উনি এবং নারী নির্যাতন নারী ধর্ষণ নারীদের প্রতি কোনো উনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত মহিলারা আশা করেছিল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেহেতু মহিলা সেহেতু মহিলাদের আলাদা করে একটা কিছু চাওয়া পাওয়া ছিল এবং মহিলাদের দুঃখ কষ্টটা বুঝবে কিন্তু তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও তিনি মহিলাদের ভোটে বেশি বেশি করে মহিলাদের ভোটেই তো উনি জিতেছেন তো মহিলাদের নিয়ে উনি ওনার কোনো ভাবনা চিন্তা নেই মহিলাও কি কোনো চিন্তা নেই মমতা ব্যানার্জিকে अच्छा आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी जो मुस्लिमों को कह रही है एक तरफा वोट देने के लिए और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने उन पर निशाना साधा कि अगर हम ऐसा कहते तो चुनाव आयोग मुझे अब तक 8 नोटिस उन्हीं तो माने हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं तो उना के सब समय मोदी जी के सब समय मुख्यमंत्री के सब समय उन्हीं तो दीदी बोले सम्मानित करें किंतु मुख्यमंत्री तो उना के जा ता भाषा बोलें देखें तो किरकम भाषा प्रयोग करे उन्हीं একটা মুখ্যমন্ত্রীকে ওরকম ভাষা প্রয়োগ করা উচিত আপনাকে কি লাগ রহা কিউ মমতা ব্যানার্জি এসে প্রধানমন্ত্রী কো অশুভনীয় বাতে উনি তো সভ্যতা ভদ্রতা কিছু জানেন না উনি তো সবাইকে এরকম অসম্মানজনক কথা বলে উনি তো মানে ওনাকে অনেকে তো বলেন বলছেন চারদিকে যে উনি মাথাটা ওনার ঠিক নেই মানে উনি একটা পাগলের মতো বক্তব্য রাখেন পাগলের মতো মানে হাস্যকর এবং ইউটিউবে তো ওনার নামে তো হাসির খোরাক উঠছে মানে চিন্ময়কে মানতে হবে না আমাদের যে হাস্য আমার হাসির জন্য চিন্ময়ের কিছু কিছু আমরা ইয়ে দেখতাম কিন্তু উনি তো চিন্ময়ের থেকেও ওপরে উঠে গেছেন হাসির ব্যাপারে ममता बनर्जी तो कह रही कि बीजेपी नहीं आएगी हम ही आएंगे और उल्टा मोदी जी को दिल्ली से हटाएंगे वक्त वक्त बड़ी बात है ना बोलते हैं ना वक्त बड़ा बलवान तो वक्त ही बताएगा कि कौन आएगा कौन जाएगा बोले ना वक्त से भर के कुछ नहीं होता है दीदी आपका वक्त चला गया है आप अब अपने घर में घुस जाइए ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है उन्होंने कहा है कि हम नंदीग्राम जीतेंगे और मोदी जी को चिंता करनी चाहिए वाराणसी से एक ही बात वक्त बताएगा वो कितना भी फड़फड़ा ले अब उनका पंख कटने वाला है इसके अलावा और कुछ नहीं होगा मोदी जी तो आएंगे ही बस आएंगे भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पे जो कट मनी की बात की जा रही है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही है उसमें भी पैसे लेने की इसके बारे में कुछ बोला जा सकते हैं आप लोगों को खुद पता है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है कितना काटमनी हो रहा है हर घर में किस तरह से ये लोग चोरी कर रहे हैं हर घर के एक आवास योजना बनाने में उनके जो कार्यकर्ता है हर काउंसिलर कितने पैसे लेते हैं आपको पता है अगर ये घर बना रहे हैं अगर पैसे आ रहे हैं तो उसमें से 50,000 रुपये वो लोग खुद लेंगे किस लिए एक गरीब घर बनाए जिसके पास नहीं वही तो ले रहा है आवास योजना तो फिर क्यों पैसे ले रहे हैं घर बनाने के लिए दिया जा रहा है उसमें से हमको 50,000 दे दो तो हम तुमको दे देंगे तुम्हारा जल्दी सेंशन हो जाएगा ऐसे करके घुस ले वरना उस इंसान का घर नहीं बन रहा है ये कोई ये कि वो इंसान गरीब है आज गरीब के लिए ना मोदी जी इतना हम दिए हैं कि हाँ चलो उनको घर मिले तो क्यों जब वो इतना दे रहे हैं हम लोग को तो फिर आप क्यों नहीं जनता तक पहुँचा रही है आपको क्या दिक्कत है आखिर आप तो उन्हीं से आ रहे हैं ना मोदी जी के पास ही आपके पास रहे आप तो खुद अपने अकाउंट से नहीं दे रही है ना अपने घर से दे रही हैं जहां से आ रहे हैं आप बस दीजिए जनता को जब आप देंगी नहीं तो आपको रह के क्या फायदा अच्छा एक बात ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी का जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी उस पर लोगों का ज्यादा गुस्सा है अब ये छोटा बच्चा उसके बारे में बात नहीं कीजिए तो बेहतर है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं वो अभी बहुत छोटा बच्चा है एक बात बोलना चाहती हूँ जो বাংলাতে বলছি উনি যে বলছেন যে বহিরাগত বলছেন অমিত শাহজিকে আমাদের মোদিজিকে তো বহিরাগতরা যদি আমাদের কিছু বাইরে থেকে এসে আমাদের মেয়েদের কথা চিন্তা করছেন তো উনি তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মেয়েদের জন্য উনি ভোট পেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন তো উনি আমাদের মেয়ের জন্য কি চিন্তা করছেন আগর ঘর পে ঘর কা লোক আদমি আগর ঘর কা চিন্তা নেই করেগা তো বাহার বালে আকে চিন্তা কর রহে হ্যায় তো উনকো ইতনা জলন কিউ হো রহা হ্যায় एक क्वेश्चन ये है कि योगी जी यहाँ आ रहे हैं आज रैली में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में भी होना चाहिए आपको क्या लगता है डेफिनेटली होना चाहिए कि उनका सोच उनका विचार ইউপিতে যে ঘটনাগুলো ঘটছে যোগীজি তো এবার সবাইকে তো একটা নির্দেশ দিয়েছেন একটা আইন লাগু আছে কিন্তু এবার দেখুন সেটা যদি সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নয় কোথায় কি হচ্ছে সেটা তো ওনার পক্ষে দেখা সম্ভব না সেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলও হয়েছে
আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও নারী ধর্ষণ হচ্ছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও বিভিন্ন রকম অনাচার হচ্ছে, বিচার হচ্ছে। তো কম বেশি তো একটু তো হতেই পারে, এত মানুষের জনসংখ্যা, তো কতজনকে তো লাইন আপনার লাগু করতে গেলে ওভাবে তো সম্ভব নয়। তো ফির ভি উনকা যে সোচ বিচার হাম দেখেঙ্গে তো ঠিক হ্যাঁ, যোগীজি হাম বেস্ট, বহুত ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।